एचआरटीसी कंपनी की मनमानी का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और किसान परेशान है। ग्राम पंचायत सहले घोरी में किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। किसान अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं किसानों के खेत तक पानी ना पहुंचने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे और किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव के किसानों ने बताया, समनापुर से बजाग तक जीआरटीसी कंपनी सड़क का निर्माण कार्य कर रही है। जब ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार के कर्मियों से अपनी समस्या बताई तो किसानों की एक न सुनी। किसानों का कहना है, नहर से पानी खेत तक लाने के लिए पहले सड़क के नीचे से पाइपलाइन थी, जिससे पानी किसानों के खेतों तक पहुंचता था, जिसे जीआरटीसी कंपनी के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन सड़क में दबा दिया। इसकी वजह से अब किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई करते हुए खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है, ताकि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे और किसान खेती कर सके। पानी के लिए क्या परेशान जा रही भाई? पानी की बहुत समस्या है। अभी खेतों पानी नहीं जा पा रहा है, पहले कैसे जाता था? पहले यहाँ पाइप डाला था, वो पाइप को अभी रोड वाले डुबा दिए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ से? हम पानी चाहते हैं, एक पाइप यहाँ लगा दो, ताकि हमारे इधर खेत में पानी पहुँचे। कितने काश्तकार होंगे यहाँ पे? बहुत सारे हैं, 50 से ऊपर होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लोकमन। कौन सा गांव है ये? साले घोरी है और मोहगांव दोनों। क्या करते हैं दादा? काश्तकार। अभी कौन सी फसल लगी हुई है? अभी तो जोता हुआ खेत ऐसे ही पड़ा है, पानी तो है नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं बो पाए? जो रोड बन गया है इसमें पाइप डाला था पहले, वो पाइप नीचे दब गया, पानी आने में असमर्थ। पानी कहाँ से आता था? बंधान से आता है सर, नैसा बांध। अभी कितने काश्तकारों के लिए पानी की? यहाँ पानी आएगा तब तो 500 काश्तकार। जहाँ पानी का रोक करे हैं, रोक दिए है पानी, तो वहाँ और कितनी खेती होती है? हजारों का खेती है सर, यहाँ पूरा हजारों पड़ा है। इसके अलावा और पानी की व्यवस्था है कहीं से? नहीं है कुछ। आप लोगों ने जब रोड बन रही थी तो उनसे बोला था कि यहाँ पुलिया डालो कहते? हाँ बोले। क्या बोले उन्होंने? वहाँ उधर पुलिया गिराया और उधर सेट कर दिया, यहाँ पे नहीं लगाई। क्या चाहते हैं? हम कहते हैं यहाँ पे लगना चाहिए, वहाँ चाहिए पानी। पानी नहीं आने की स्थिति में क्या होगा? क्या होगा वो, ये भूख मर। क्या नाम है भैया आपका? राकेश मकान। कौन सा गांव है? मकान सर। क्या समस्या हो रही है? ये पानी की समस्या है, खेत वेत सब जुताई करे हरा, बस ऐसे ही है सूख गई से। नहर के पानी आते, नहर जो मतलब पाइप डला था वो दब गए, रोड वाला दाब दिया है। कौन सी रोड बन रही है? ये कंक्रीट वाला रोड बनेगा को बोल रहा है। बाकी कहाँ से कहाँ बन रही है? ये बन रहा है समनापुर से बजाक। तो अब पानी नहीं आ रहा है, क्या समस्या हो रही है, किस तरह से? ये दब गया है पाइप, इसलिए इधर पानी नहीं नका पा रहा है। वो पाइप यहाँ गिराया था तो नीचे लगा दिए उधर। कितने किसान लगभग परेशान है? 50 से भी ऊपर होंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पाँच डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।